एजुकेशन एरिना खरखौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना। और यह टॉपिक कक्षा 7 में भी है, कक्षा 8 में भी है, कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में भी है। यह टॉपिक चारों क्लासों में है। कक्षा 7वीं 8वीं में ये टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन नाम के चैप्टर में है और कक्षा 9th और 10th में ये अलग से चैप्टर है। और मेरा आपको पूरा आश्वासन है, अगर आप केवल मेरा यह वीडियो देख लेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आप प्रायिकता के प्रश्न हल पेपर में ना कर सकें। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई इसमें फार्मूला नहीं है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है और एक बिल्कुल खेल की तरह एक टॉपिक है जिसे हम आज करते हैं। और मैं आपको पुनः भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप ये देख लेंगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो अपने वार्षिक परीक्षा में इस टॉपिक को कवर ना कर सके। प्रायिकता, इसको इंग्लिश में कहते प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब संयोग, संयोग का मतलब चांस। और इसीलिए इस चैप्टर को हम कह देते हैं कि गेम ऑफ चांस, चांस का खेल है। इसके चार भाग हैं, पूरी 10वीं तक अगर हम इसे कवर करें तो इसके चार भाग हैं। सबसे पहले इसमें साधारण प्रश्न आते हैं, दूसरे नंबर पर इसमें सिक्कों के प्रश्न आते हैं। सिक्के कौन से? जो हम टॉस करते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का जिससे हम टॉस करते हैं, वो सिक्के। फिर आता है पासे के प्रश्न। पासे क्या? जो हम लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें एक गोटी होती है जिस पर 1 से 6 तक के अंक निशान लगे होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न। और अंत में ताश से संबंधित प्रश्न। तो अभी आपने जैसे इसके ये चार टॉपिक मैंने निकाले, इनसे भी स्पष्ट हो गया कि ये कुछ भी नहीं, एक खेल है। अगर आप इसे कर लेंगे तो बिल्कुल 100% इसको कर देंगे। इन चारों टॉपिक को हम एक बार ना लेके बारी बारी से लेंगे, क्योंकि एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं होंगे। इसके लिए हमें 4 क्लास चाहिए। और जो बच्चा चारों क्लासों को 10-10 12-12 मिनट की क्लास है, जो बच्चा चारों क्लासों को अच्छे से देख लेगा वो 101% इसके प्रश्न हल कर। तो आइए आज शुरू करते हैं अपनी प्रायिकता। प्रायिकता का पहला भाग, पहले हम करेंगे साधारण प्रश्न। प्रायिकता, जैसा कि मैंने बताया कि संयोग, संयोग चांस। अब हम एक छोटा सा प्रश्न ले लें इसके परिचय प्राप्त करने के लिए। मैं कहता हूं आज वर्षा होगी, इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा होगी? प्रायिकता जब हमने निकालनी है किसी भी काम की, तो उसके लिए एक लाइन का एक छोटा सा सूत्र है, प्रायिकता। क्या है ये प्रायिकता? अनुकूल, परिणामों की संख्या और भाग में कुल परिणामों की संख्या।
सिर्फ इसमें हमारा काम ही एक है, हमने दो चीज अपने दिमाग से सोच के निर्धारित करनी है कि जैसा हम चाह रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि आज वर्षा होगी, अब आज वर्षा होगी किसी से भी पूछें कुल टोटल कितने चांस बन सकते हैं इसके, इसके दो चांस बन सकते हैं, या तो होगी या नहीं होगी, इससे अलग और कोई भी चांस नहीं है। तो कुल परिणाम, कुल परिणाम इससे अलग कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई या तो होगी या नहीं होगी, कुल परिणाम दो। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अब मैं क्या कह रहा हूं कि आज वर्षा होगी, तो मेरे कहने के अनुकूल परिणाम एक है, मैं चाह रहा हूं कि वर्षा हो, तो एक, एक। अब अनुकूल परिणाम आगे हमारा एक, कुल परिणाम आगे दो, तो प्रायिकता वर्षा होने की प्रायिकता, अभी सूत्र था अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर, अनुकूल परिणाम थे हमारा एक, एक, और कुल परिणाम थे दो, ये इसका आंसर आया कि आज वर्षा होने के चांस, वर्षा होने की प्रायिकता एक बटे दो। अब हम देखें कि हमारी ये प्रायिकता कहां तक जा सकती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, अभी आपके सामने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि लड़कियों के स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, अब लड़कियों के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के, सभी बच्चे एकदम से सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कियों के स्कूल में लड़के पढ़े, तो लड़कियों के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में लड़के शून्य, और यदि हम शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर शून्य ही आता है, तो इसकी प्रायिकता, इसके चांस कि भाई लड़कियों के स्कूल में लड़कों के होने के चांस, इसकी प्रायिकता आ जाएगी शून्य। इसी प्रकार अगर मैं एक बच्चे को किसी रेस में भाग लेने के लिए बोलूं और उसकी रेस शुरू करवाएं हम, तो निश्चित बात है कि वही बच्चा फर्स्ट आएगा, चाहे वो दो दिन में आए, चाहे वो तीन दिन में आए, चाहे वो गिरता हुआ आए, कैसे भी आए, जब भागने वाला एक है तो फर्स्ट भी वही आएगा। तो दूसरा जो हमारा प्रायिकता का पॉइंट हुआ वो हुआ, यदि मैं एक बच्चे को भगाऊं तो उसके फर्स्ट आने की प्रायिकता, उसकी 100% फर्स्ट आने की प्रायिकता है, वही बच्चा आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, उसकी प्रायिकता होगी एक। जो ये जीरो प्रायिकता वाली बात है इसको हम असंभव, असंभव इवेंट कहते हैं, और जो ये एक वाली है इसको हम निश्चित इवेंट कहते हैं। तो एक पर्सन तो जो हर वर्ष पेपर में आता है, एक पर्सन तो ये हो गया कि भाई प्रायिकता कहां से कहां तक रहती है, कम से कम प्रायिकता कितनी हो सकती है और अधिक से अधिक प्रायिकता कितनी है। ये एक नंबर का पर्सन बिल्कुल 100% बोर्ड के एग्जाम में आएगा और बाकी परीक्षाओं में भी, वार्षिक परीक्षा में आएगा। तो किसी भी काम के होने की प्रायिकता जीरो से कम नहीं हो सकती और एक से
अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता जीरो तथा एक के मध्य रहती है, एक के बीच रहती है। ये एक निश्चित बात है कि प्रायिकता कहां रहेगी, जीरो से कम नहीं होगी। एक नंबर का जरूर आएगा, जीरो से कम नहीं होगी और एक से अधिक नहीं होगी। जीरो प्रायिकता को हम असंभव बात कहेंगे और एक प्रायिकता को निश्चित बात। तो इसी के आधार पे अब मैं आपके लिए दो तीन प्रश्न करता हूं। आशा है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी और अभी मैं आपके लिए दो तीन या चार प्रश्न हम करते हैं जिनसे बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें जो प्रश्न आते हैं हमारे, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मान लिया एक थैले में चार लाल गेंद, लाल गेंद कितनी, चार, पांच हरी गेंद, पांच, और छह सफेद गेंद है। छह सफेद गेंद है, उनमें से यादृच्छा मतलब उनमें से रैंडमली एक गेंद निकाली गई, उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई गेंद एक लाल गेंद होगी। अब इसी के अनुसार हम देखते हैं प्रायिकता निकाल दी है हमने किसकी, लाल गेंद की। लाल गेंद की प्रायिकता का मतलब है कि हमने ये देखना है कि लाल गेंद निकलने के कितने चांसेस हैं। किसी भी काम के होने की प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं और ई उसके साथ लगाते हैं कि वो इवेंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम देखना चाह रहे हैं। यहां हम देखते हैं कि लाल गेंद की प्रायिकता हम कैसे निकालें, हमें क्या क्या चीजें चाहेंगी, हमें कुल परिणामों की संख्या, कुल गेंद चाहिए और उसके बाद लाल गेंद चाहिए। तो कुल गेंद यहां से हम देखें, कुल गेंद जो है वो 6 और 5 11 और 4 15, कुल गेंदों की संख्या हमारी कितनी है 15। तो अब लाल गेंद की प्रायिकता जिसको हम पी प्रायिकता ई ऑफ एन इवेंट, वो कैसे आएगी, नीचे हमारा कुल परिणाम 15 और अनुकूल परिणाम, लाल गेंद कितनी थी हमारे पास 4, ऊपर 4 आएगी। अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो इसको एज इट इज लिख देंगे कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारी 4/15। इसी प्रकार इसी सवाल को अगर मैं ये लिख दूं कि हरी गेंद की प्रायिकता अलग से आएगी, इसी में दूसरा सवाल यह भी बनता है कि हरी गेंद की प्रायिकता, तो हरी गेंद की प्रायिकता में हमने ऊपर कौन सी गेंद लेनी है, हरी गेंदों की संख्या, तो यहां आ जाएगा 5/15, यहां कटेगा 1, 5 × 3 = 15, कितनी आ गई 1/3 हमारा। तो इस प्रकार से हमने छोटे छोटे सवाल हमारे इसमें आ सकते हैं और आते हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। और एक छोटा सा लेख, मैं रकम अभी यहां नहीं लिखूंगा, आपको बोलता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने एक मैच में 30 गेंदों के अंदर
छह बार चौके लगाए तो उसकी चौके लगाने की प्रायिकता ज्ञात की। तो यहां भी हमने क्या करनी है, चौके लगाने की प्रायिकता। कुल गेंद कितनी है हमारी, कुल गेंद है 30, चौके कितने पे लगाए 6 पे, तो चौका लगाने की प्रायिकता क्या होगी हमारी, 6 अनुकूल परिणाम, 6 पे चौके लगाए हैं कुल परिणाम, बस 6 × 6 = 30 यानी कि 1/5 इसका आंसर। इससे संबंधित इसमें कंचों के प्रश्न हो सकते हैं, सेब किसी फल के प्रश्न हो सकते हैं, एक थैले में कुछ सेब रखे हैं, कुछ हरे हैं, कुछ लाल हैं, इस तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं जिन्हें हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मेरा पुनः वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख के और अपने साथियों को भी दिखाएंगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो प्रायिकता के प्रश्न हल ना कर सके। धन्यवाद।